क्षेत्र में कांग्रेस के पोलिंग बूथ एजेंट के मकान में शुक्रवार देर रात आग लग गई। घटना अटेर विधानसभा के बरोही थाना इलाके की है। परिवार ने बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री अरविंद भदौरिया के समर्थकों पर आग लगाने के आरोप लगाए हैं। वे केस दर्ज कराने थाने पहुंचे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। डोंगरपुरा गांव में जॉनी जाटव कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के पोलिंग बूथ एजेंट हैं। गांव के केशव सिंह जाटव ने आरोप लगाया कि जब आरोपी पोलिंग बूथ प्रभावित करने में सफल नहीं हुए तो उन्होंने रात में एजेंट के घर में आग लगा दी। शुक्रवार रात 11 बजे तक महिला बच्चे धरने पर बैठे रहे। परिवार मंत्री के समर्थकों को आरोपी बताते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि बिना जांच किए आरोप तय नहीं करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के बूथ एजेंट का पीड़ित परिवार रात 11 बजे तक थाने के बाहर धरने पर बैठा रहा। कांग्रेस प्रत्याशी के बूथ एजेंट का पीड़ित परिवार रात 11 बजे तक थाने के बाहर धरने पर बैठा रहा। पुलिस और कांग्रेस नेताओं में बहस। परिवार की मांग गांव में पुलिस फोर्स तैनात करने की भी थी। अटेर से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के भाई योगेश कटारे भी मौके पर पहुंचे। योगेश और डीएसपी हेडक्वार्टर संजय कोच्छा के बीच गांव की सुरक्षा और पीड़ित परिवार के पक्ष को लेकर बहस भी हुई। इसके बाद पुलिस फोर्स गांव पहुंचा। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी, घटना के कारणों का पता लगा रहे। डीएसपी हेडक्वार्टर संजय कोच्छा का कहना है कि आग लगने की घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स गांव में तैनात किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।